हेलो गाइस, और आज मैं आप लोगों को दाल पालक की रेसिपी बताने वाली हूँ। और ये बहुत ही हेल्दी दाल है, आपको ज़रूर बनानी चाहिए, अपने घर में खाना भी चाहिए, खिलाना भी चाहिए। दाल पालक के लिए लेंगे 1/2 कप अरहर की दाल और 1/4 मसूर दाल, ये दोनों को मिक्स करेंगे। आप दाल अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो भी आपको दाल पसंद हो आप वो ले सकते हैं। अब मैं लूँगी 250 ग्राम ऑफ पालक, जो कि धोकर मैंने कट कर लिया है। अब मैं दाल और पालक को मिक्स करके कुकर में डालूँगी, और इसमें मैं डालने वाली हूँ 1/2 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि 2 कप पानी मैं मिक्स करूँगी। अब मैं डालूँगी 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, और उसके बाद मैं अब इसमें डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। नमक आप आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। फिर मैं इसमें डालूँगी 1/2 टेबल स्पून ऑफ हल्दी। सब कुछ ऐड करने के बाद कुकर में फुल फ्लेम पे 1 सीटी आने देना है, और उसके बाद कम फ्लेम पे आपको 3 मिनट के लिए कुकर को रखना है। और ये देखिए, हमारी दाल बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको दाल गाढ़ी लग रही है तो आपको उसमें पानी डालना है, और पानी गर्म होना चाहिए गाइस, ठंडा पानी बिल्कुल ना डालें, क्योंकि इससे दाल का जायका चला जाएगा, स्वाद बिखर जाएगा दाल का। तो गर्म पानी ही मिक्स करें, और ये देखिए इस तरीके से दाल थोड़ी पतली हो जाएगी। अब हम दाल में तड़का लगाएंगे, और ये स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट है दाल में तड़का लगाने का। तड़का लगाने के लिए कढ़ाई में मैंने लिया है 2 चम्मच सरसों का तेल और 2 चम्मच घी मिक्स करेंगे इसी ऑयल में। आप चाहे तो सिर्फ घी में भी तड़का लगा सकते हैं। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून ऑफ जीरा। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक कटे हुए लहसुन। लहसुन का छिलका नहीं उतारे, छिलके के साथ लहसुन को बारीक कट कर लीजिए, और फिर लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भूनना है। साथ में मैंने मिक्स किया है हरी मिर्ची, 2 हरी मिर्ची डाला है। फिर मैं अब इसमें डालूँगी 1/2 टेबल स्पून ऑफ हींग। हींग आपको सबसे लास्ट में ऐड करना है, इस बात का ध्यान रखें। फिर जैसे ही लहसुन गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम दाल को उसमें मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए कितना लजीज लग रहा है दाल पालक, और ये दाल खाने के बाद आप मतलब खुश हो जाएगा आपका दिल। और बहुत ही हेल्दी दाल है ना, हमने इसमें ज़्यादा तेल मसाला यूज़ किया, ना ही ऑयल यूज़ किया है। दाल मिक्स करने के बाद आपको 1 से 2 मिनट ही दाल को पकाना है, ज़्यादा देर के लिए दाल को ना पकाए, इससे दाल का टेस्ट खराब हो जाएगा। और ये देखिए दाल पालक बनके तैयार है। तो आप भी अपने घर में बनाइए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा मेरा रेसिपी। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।